दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक अकाउंट लॉक हो गया, आप अनलॉक करने का प्रयास कर रहे हो नहीं रहा, तो यहाँ पर देखिए लॉक बहुत सारे तरीके से हो रहे हैं अनयूज्ड एक्टिविटी के कारण। बट बहुत सारे केस में ऐसे भी हो रहे हैं गेट स्टार्टेड भी नहीं आ रहा। बट सबका सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका अकाउंट लॉक हो गया होगा और कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, जिसमें अगर इसमें इस प्रकार से आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसमें देखिए मैंने जो कि वीपीएन वगैरह यूज किया तो आसानी से इसमें गेट स्टार्टेड भी आ गया। मतलब इस प्रकार के अगर भी शो आ रहा होगा तो भी आपका अकाउंट आसानी से अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हो ये कब लॉक हुआ। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो कि हमें आईडी सबमिट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कन्फर्म योर आईडी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आगे जब बढ़ता हूँ ना तो यहाँ पर एक छोटा सा लिंक दिखेगा, इस पर अगर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आईडी सबमिट करने के लिए बोल रहा। तो आईडी यहाँ पर आप जो कि किसी भी प्रकार से सबमिट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ या फुल नेम दोनों मैच होनी चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और फुल नेम फेसबुक की आईडी से मैच होनी चाहिए, तो आपका अकाउंट आसानी से है जो कि अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है जो कि एक आईडी आप क्रिएट कर सकते हो, किसी भी प्रकार से क्रिएट कर सकते हो। आप चाहें तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो सबमिट करके लिंक है जो कि एक्सेस लिंक है जो कि आप है जो कि ले सकते हो फेसबुक की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो कि आईडी को क्रिएट किया और उसको जो कि सबमिट किया तो यहाँ पर एक्सेस लिंक हमें आ चुका है। यहाँ पर हम फेसबुक के mfacebook.com पे यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैं इस अकाउंट को जल्दी से ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आईडी इसमें सबमिट कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हो कन्फर्म योर आईडी का ऑप्शन आ रहा था इसमें। यहाँ पर देख समथिंग वेंट रॉन्ग वाली प्रॉब्लम अगर आ रही है ना, तो ये है जो कि एम्बेसी पर जाओगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आईडी सबमिट किया तो यहाँ पर देख सकते हो लिंक वगैरह सब आ चुका है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लिंक को उठा करके मैं सीधे वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो आसानी से अकाउंट कन्फर्म हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूँ ब्राउजर में। इसलिए सबसे पहले तो वीपीएन को मैं यहाँ से डिसकनेक्ट कर देता हूँ ताकि हमें सर्वर थोड़ा सा इसमें फास्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीपीएन को डिसकनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर मैं फिर से कोई भी सर्वर आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी कंट्री का सर्वर आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे अगर डिस्चार्ज आ जाए उसी को सिलेक्ट कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब तक बहुत सारे अकाउंट है जो कि अनलॉक कर चुका हूँ, तो अगर आपको भी अनलॉक कराना है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो कि लिंक वगैरह आ चुका है आईडी सबमिट करने के बाद, तो आपको ध्यान से जो कि वीडियो को देखना पड़ेगा। आईडी पहले सबमिट करना पड़ेगा एक्सेस लिंक लेने के लिए। अगर आईडी सबमिट किए हो रिजेक्ट हो रहा तो मेरे को आप जो कि मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, बट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अकाउंट है जो कि आसानी से कन्फर्म हो जाएगी। यहाँ पर लिंक जो भी है यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा ना, तो यहाँ पर गेट शायद नहीं भी आ रहा ना, तो यहाँ पर अकाउंट है जो कि आसानी से कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट सक्सेसफुली कन्फर्म हो चुका है और अगले स्टेप में आसानी से ये अकाउंट है जो कि अनलॉक भी हो जाएगा। यहाँ पर जो भी नंबर है ईमेल यहीं से सब कुछ रिमूव होता है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया जाएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो जिस नंबर या ईमेल को रिमूव करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। तो इनसे मैं पूछ लेता हूँ, ये जिन बंदे का उनसे जरा पूछ लेता हूँ कि कौन सा ईमेल रखना है, नंबर कौन सा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूछ लिया हूँ, उसके बाद है जो कि मैं वापस आ गया हूँ। और यहाँ पर मैं जिसे रिमूव करना ना, वो सिंपली है आगे वाले बॉक्स में आएगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना, टिक कर देना, जिसे रिमूव करना उसे टिक करना, जिसे रखना उसे टिक नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है जो कि नीचे रिमूव पर क्लिक करोगे और है जो कि आगे है जो कि बढ़ते जाओगे तो अकाउंट है जो कि सक्सेसफुली अकाउंट कंफर्म हो जाएगी, सॉरी अनलॉक हो जाएगी, कंफर्म हो चुकी है ऑलरेडी। ये आगे स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ होता तो अगले स्टेप में अकाउंट अनलॉक भी शो होने लगे, उसके बाद फेसबुक की होम पेज आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कन्फर्म पर आपको क्लिक करना इस प्रकार से, और उसके बाद है जो कि अकाउंट है जो कि सक्सेसफुली होम पेज पर चले आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख नेक्स्ट पर नेक्स्ट ऑप्शन है, ओनली एक ईमेल में रहने दिया और यहाँ पर जो कि अकाउंट सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका आप सभी के सामने देख सकते हो। तो इसमें गेट स्टार्टेड सिक्योर वगैरह भी कर लीजिएगा ताकि जो कि आगे से अकाउंट लॉक होना हो जाए। ठीक है, तो लॉक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार अनलॉक हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है अगले है जो कि लॉक हो जाने के बाद अनलॉक करने में, तो आपको क्योंकि घबराना नहीं, सबका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा, A to Z अकाउंट अनलॉक होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, अनलॉक नहीं हो रहा, आपको अनलॉक करके दे दिया जाएगा, कुछ चार्ज वगैरह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो फेसबुक के यहाँ पर होम पेज पर चलाऊंगा और आसानी से यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट है जो कि सक्सेसफुली अनलॉक और सिक्योर हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो ये गेमिंग अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो कि अकाउंट है जो कि सक्सेसफुली ये सिक्योर हो चुका, सक्सेसफुली ये अनलॉक हो चुका है।